हेलो। तो आज हम फिर से एक आईआईएम रोहतक के सैंपल पेपर के क्वेश्चन के साथ आए हैं, जो आईआईएम रोहतक की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसी सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, तो हम आजकल वही क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। तो आप क्या करना, इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आईआईएम रोहतक, आईआईएम इंदौर, डीयू जैट और भी जितने 12th के एग्जाम होते हैं, उसमें आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे जो मैं आपको डाल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपने एक काम करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का टॉपिक समझाया हुआ है, वो आप अच्छे से देख लेना। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही गहराई से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके ऊपर ये बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन, क्या है। ड्यू टू इंक्रीज इन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग्स, टू एग्स आर लेस अवेलेबल फॉर ₹24, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन। बच्चे अक्सर यहां पे गलती करते हैं, ये प्रेजेंट रेट पर डजन पूछा हुआ है, 12 का पूछा हुआ है। प्रेजेंट मतलब नया, ओरिजिनल मतलब पुराना, पहले क्या हुआ करता था उसके लिए वर्ड होता है ओरिजिनल, और प्रेजेंट का मतलब अब जो इंक्रीज होके आया, या किसी क्वेश्चन में डिक्रीज भी दिया हो सकता है, जो नया आया वो इंक्रीज होके भी आ सकता है, वो डिक्रीज होके भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, करते कैसे है, यहां क्या लिखते हैं ओरिजिनल, यहां क्या लिखते हैं बेटा न्यू, ऐसे टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं प्राइस, यहां पे क्या लिखते हैं बेटा कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है बेटा एक्सपेंडिचर। ये क्यों प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों ही केस में वो ₹24 खर्च कर रहा है। पहली बार ₹24 के कुछ एग्स मिलते होंगे, और प्राइस बढ़ने के बाद अब ₹24 के जितने पहले एग्स मिलते थे उससे कितने एग्स कम मिल रहे हैं, 2 एग्स मिल रहे हैं, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब प्राइस कितना बढ़ा देखो, 20%। अब मैंने आपको परसेंटेजेस में भी बहुत बार बता रखा है कि 20% का मतलब माइंड में सोच लिया करो 1/5, यानी कि 1 की बढ़त 5 पे, यानी कि प्राइस हो गया 5 से 6, प्राइस हो गया 5 से 6। तो कंजम्पशन रिवर्स करना है, यहाँ पे क्रॉस मारना है, मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है क्यों मारना है, वो अब दोबारा बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो जरूर देखना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हुए हैं। क्यों ऐसे क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन 30 यूनिट ये, और प्राइस इंटू कंजम्पशन 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 30, प्रोडक्ट फिक्स हो गया, एक्सपेंडिचर रेशियो में फिक्स हो गया। एक्चुअल में तो एक्सपेंडिचर कितना है वैसे हमें मालूम है, ₹24, यहाँ पे भी ₹24 खर्च कर रहा था और यहाँ भी ₹24 खर्च कर रहा था, दोनों ही केसेस, ठीक है। दोनों ही केसेस में कितने रुपए खर्च कर रहा था, 24, ठीक है। और रेशियो में भी मैंने देख लिया, 5:30, 5:30, 30:30 लिख दो, 30:30 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये 1:1 मतलब बराबर है, ये 1:1 मतलब बराबर, और एक्चुअल में तो ₹24 है ही। अब रेशियो में कंजम्पशन देखते हैं, ये जो एग्स हैं वो 6 से 5 हो गए, ध्यान से देखो, 6 से 5 हो गए, तो एग्स रेशियो में कितने कम मिल रहे हैं, 1 यूनिट। पहले 6 यूनिट एग्स मिला करते थे, तो अब 5 यूनिट एग्स मिला करते हैं, तो रेशियो में कितने एग्स कम मिल रहे हैं बेटा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 2 एग्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो 2 अंडे कम मिल रहे हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 एग्स हो गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू 10 एग्स हो गया, मतलब अब आपको 10 अंडे मिल रहे हैं, जबकि पहले 6 यूनिट का वैल्यू 12 एग्स मिला करते थे, अब आपको 10 एग्स मिल रहे हैं, और पहले कितने मिला करते थे बच्चों, 12 एग्स मिला करते थे। खर्च दोनों ही बार कितने कर रहा है, ₹24, क्योंकि इसने स्टेटमेंट में साफ कह रखा है 2 एग्स आर लेस अवेलेबल फॉर ₹24, तो इससे साफ पता लग रहा है कि दोनों बार ₹24 खर्च कर रहा है, जो 24 के पहले मिला करते थे और जो 24 के अब मिल रहे हैं, 2 अंडे कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 6 × 12 अंडे मिलते थे और अब 5 × 10 अंडे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 अंडे निकाली। अब अगर मैं हमसे 1 अंडे की कीमत पूछी होती तो आप कैसे निकालते, ₹24 भर के आपको 10 अंडे मिल रहे हैं, अब वाला न्यू का मतलब प्रेजेंट होता है, न्यू का मतलब मैंने आपको बताया, न्यू का मतलब प्रेजेंट प्राइस, अगर 1 अंडे का प्रेजेंट प्राइस पूछा होता तो ₹24 भर के आपको 10 अंडे मिल रहे हैं, तो 1 अंडा 24 / 10 रुपए का होता, मानते हो 1 अंडे की कीमत,
लेकिन क्वेश्चन में एक अंडे की नहीं पूछी, यहीं पे गड़बड़ होती है। पर डजन, डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12, तो 24/10 × 12 कर दो बस। और 12 गुना में 24 करना बहुत आसान है, 288 होता है। कैसे पता लगा? 24 को ब्रेक कर दो माइंड में, 20+4, 12 गुना में 20, 240, 12 × 48, 240 और 48, 288, बाय 10 भी कर दो, तो 28.8 रुपीस पर डजन, पर डजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28.8 रुपए पर डजन, या 28.80 रुपए एक डजन का नया प्राइस है या प्रेजेंट प्राइस है। पहले वाला भी निकाल सकते थे, फिर आप 12 वाला डेटा यूज करते कि एक अंडा 24/12 2 रुपए का है, और जितने की भी पूछी होती 12 की 10 की हम उसे मल्टीप्लाई कर देते, है ना। बोलो ये आपको समझ आया? तो ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आई एम रोहतक के सैंपल पेपर में है, लेकिन ये सेम SSC CGL CAT बैंकिंग और जितने भी एग्जाम्स में सब में आया हुआ है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया, टेक केयर।